हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट शेफ किचन। तो आज हम लोग मटर पनीर बनाना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे 200 ग्राम्स पनीर का है। पनीर को हम लोग बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून चाट मसाला और करीबन 1 टेबलस्पून अब इसमें मस्टर्ड ऑयल का डालेंगे, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल मत डालिएगा। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का डालेंगे, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, आप चॉप्ड जिंजर और गार्लिक भी डाल सकते हैं। कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स और अब इसको हम लोगों को मैरिनेट करना है 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही। और अब मैरिनेट जब हो जाए पनीर, अब हम लोग एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को पैन में अच्छी तरीके से कर लेंगे और अब इसमें हम अपना ये मैरिनेटेड पनीर डाल देंगे और इसे हम लोगों को रोस्ट करना जब तक कि इसकी साइड एकदम ब्राउन ना हो जाए। और इसे 1 मिनट के लिए हम कुक करेंगे एक एक साइड पे, और जो फ्लेम होनी चाहिए वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत कुक करिएगा, वो जल सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें घी डाल देंगे, 1 टीस्पून करीबन। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप काजू का। काजू को लाइट ब्राउन कर देंगे, मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। ये देखिए ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 2 अनियन रफली चॉप्ड करके, इसको भी हमें लाइट ब्राउन करना है। कुक करेंगे 5 मिनट्स के लिए और इसको हमें भी मीडियम फ्लेम पे कुक करना होगा। इसके बाद हम डालेंगे 1 बड़ा टमाटर, आप 2 छोटे टमाटर भी डाल सकते हैं, और इसको भी हम लोगों को 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और जो अभी फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए। अब इसे हम लोगों को लीड लगा के करीबन 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में करना होगा कुक, और ये जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट और मैशी ना हो जाए। तो जब आपको एकदम सॉफ्ट और मैशी लगेंगे तब आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और इस अब हम लोग एक बर्तन पे ऐसे ही ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये कूल हो जाए तब इसको हम लोग मिक्सी में डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। और ये देखिए ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ होना चाहिए, ज़रा सा भी पानी मत डालिएगा, थिक पेस्ट होना चाहिए इसका, ध्यान रखिएगा। अब इसमें डालेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी का, बटर भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर का डालेंगे, 1 इंच सिनेमन का डालेंगे यानी दालचीनी, 2 स्मॉल बेलीफ का डालेंगे यानी तेज़पत्ता, और 2 ग्रीन चिली का डालेंगे, एकदम रफली चॉप कर लेंगे। और अब अपने मसालों को हम लोग अच्छी तरीके से भून के उसके बाद अपना ये अनियन और टमाटो का पेस्ट डाल देंगे। तो ये करीबन 1 कप पेस्ट होगा और अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम लोग इसे। और अब इसमें टप पड़ेगा 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक, 2 से 3 टेबलस्पून गरम मसाले का, गरम मसाला इसमें बहुत कंपलसरी है डालना। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम कोरिएंडर पाउडर और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और हमें एकदम ऐसा ही कलर चाहिए। 1/4 कप फ्रेश क्रीम का डाल देंगे, तो ये मैं अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप जो दूध के ऊपर क्रीम आती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुक करेंगे 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि इसको ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए इसको ऑयल सेपरेट होने लगा है, और जब ऑयल सेपरेट होगा तब इसमें हम लोग पानी डालेंगे, अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डालेंगे। तो मैं करीबन 1.5 कप पानी डाल रही हूँ और ये मैंने कंसिस्टेंसी कर ली है। अब इसमें डालूँगी मैं करीबन 1/4 कप बॉइल्ड पीस का, आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं, बॉइल्ड भी ले सकते हैं। नमक डाल देंगे और जो पीस होनी चाहिए वो कच्ची मत डालेगा वरना वो कुक नहीं होगी, तो बॉइल्ड या फ्रोज़न ही डालेगा। अब इसको लीड लगा देंगे और 8 to 9 मिनट्स के लिए से मीडियम फ्लेम पे कुक कर देंगे, जब तक कि ये जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी सी थिक ना हो जाए। और देखिए एकदम क्रीमी आपको ये ग्रेवी लगेगी, एकदम ऐसी कंसिस्टेंसी का ही हमें ग्रेवी चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे रोस्टेड पनीर जो हमने करा था रोस्ट, अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम लोग इसे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हैं एकदम ऐसी होनी चाहिए, थिक कंसिस्टेंसी। अब हम लोग इसे लिड लगा के करीबन 3 मिनट के लिए और लो फ्लेम में कुक कर लेंगे, और जब ये कुक हो जाए तब हम लोग इसको फ्लेम ऑफ करके गरम गरम इसको आप लच्छा पराठा के साथ या सिंपल पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी मटर पनीर की रेसिपी तैयार हो गई है। इन्जॉय।